भिंडी मिर्ची बनाने के लिए हमने लिए है यहाँ पर आधा किलो भिंडी, जिसे हमने धोकर अच्छी तरीके से काट लिया है। और 10 से 12 हमने हरी मिर्चें ली हैं, जिनको दो दो हिस्से में से काट लिए हैं। और हमने एक मीडियम साइज का टमाटर लिया था, जिसे हमने फाइनली चॉप्ड कर लिया है। और एक बड़ा चम्मच हमने लिया है धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच तेज वाली लाल मिर्ची जिसे जवा मिर्ची भी कहते हैं, और थोड़ा सा जीरा, नमक स्वाद अनुसार, और हमने लिया है 50 ग्राम तेल। अब हमने तेल को भगोने में डाल दिया है। हम इसमें जीरा डाल देंगे। जीरे को अच्छे से थोड़ा पकने देंगे। उसके बाद इसमें हम हरी मिर्चियाँ डाल देंगे हमारी, जिन्हें चलाएंगे अच्छे से हरी मिर्चियों को। हरी मिर्चियाँ अच्छे से पक रही हैं। अब हम इसमें हमारे सारे मसाले डाल देंगे, चला देंगे अच्छे से। मसालों में हमने थोड़ा पानी मिला के पूरे डाल दिए चारों मसाले। अब इन्हें अच्छे से पकने देना है हमें। इसमें हमने हमारे टमाटर डाल देंगे जो हमने काटे थे, उनको चला देंगे हम अच्छे से। अब हमारे टमाटर और हरी मिर्ची जब तक पूरी तरीके से गल नहीं जाएंगे, इन्हें पकने देंगे। अब हम हमारे सारे मसाले और टमाटर हरी मिर्ची अच्छी तरीके से भुन चुके हैं। अब हम इसमें भिंडी डाल देंगे। हमने इसमें भिंडी डाल दी है। हम इस भिंडी को अच्छी तरीके से चला लेंगे। भिंडी को अच्छी तरीके से सारे मसालों में मिला देना है। अब हमारे को इसमें थोड़ा सा तेल कम लग रहा है, इसलिए हम इसमें तेल डाल लेंगे। और गैस की फ्लेम हम कम कर देंगे और इसको चला देंगे। और इसको 10 मिनट के लिए हम ढक कर रख देंगे। हमारी भिंडी हम देख लेते हैं 5 मिनट बाद। 5 मिनट बाद देखो कितने अच्छे से गल चुकी है पूरी भिंडी। अब हम इसका फ्लेम तेज कर लेंगे गैस का, और अब इसको कस लेंगे भिंडी को अच्छे से। हमें लगातार चलाते रहना है इस स्टेज पर, इसको भिंडी को तेज फ्लेम पर, हाई फ्लेम पर बनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और हमारी भिंडी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे सर्व करेंगे। भिंडी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है और ये बहुत टेस्टी बनी है। आप भी ट्राई कीजिए एक बार जरूर। मैं मसाला डालती हुई दिखाते थे।